नमस्कार, मैं हूं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे चैनल समर्थ सहारा में। आज हम आपको प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। श्योपुर जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर आ रही कमी को दूर करने की मंशा से आज दोपहर 12 बजे भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट ने अपने साथियों के साथ मिलकर जन सहयोग से करीब 38 ऑक्सीजन सिलेंडरों को जिला प्रशासन को उपलब्ध कराते हुए कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए व्यवस्थाएं जुटाई हैं। जानकारी के अनुसार जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन सिलेंडर की आ रही कमी को दूर करने की मंशा से भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट ने अपने साथी राम अवतार शर्मा, परम जाट, हुकम सिंह, प्रीतम जाट के साथ मिलकर जनसहयोग से 38 ऑक्सीजन सिलेंडरों को एकत्रित किया। इसे पिकअप वैन में डालकर जिला चिकित्सालय में प्रशासन के अधिकारियों को उपलब्ध कराया। इस दौरान कोई मजदूर की व्यवस्था नहीं होने के कारण भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट ने स्वयं सिलेंडरों को गाड़ी में लोड कराया। इस दौरान उनके साथियों ने भी सहयोग किया। भाजपा जिलाध्यक्ष जाट ने कहा कि मानवता की सेवा का असर भाजपा का हर कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से पूरा कर रहा है और लगातार भाजपा कार्यकर्ता आमजन की सेवा में जुटा हुआ है। शहर में लगातार जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्योंकि हमको ऑक्सीजन के लिए भिंड जाना पड़ता है और ग्वालियर जाना पड़ता है, उसमें लंबा समय लगता है। ये सिलेंडरों की व्यवस्था हमारे पास नहीं थी और इस कारण से लगातार श्योपुर में इसका अभाव देखते हुए कई लोगों की जान जाने की स्थिति इसमें आ गई थी। यह बात जब जानकारी में मिली तो जो मेरे मित्र हैं उपम सिंह जी और प्रीतम सिंह जी, इन लोगों को यह बात जानकारी में मिली, मेरी इनसे बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि हमारे पास रखे हुए हैं कुछ सिलेंडर जिनको हम आपको दे देते हैं। 38 सिलेंडर ऑक्सीजन के अभी इन्होंने हमें उपलब्ध कराए हैं, हमने जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दिए हैं, जिससे लोगों की जान बचे। हम सब लोगों से आग्रह है कि अभी हम सब व्यवसायी लोगों को छोड़कर और जनहित में काम करें और जनता की सेवा के लिए अधिक से अधिक लोग आगे आएँ। सबसे पहले लोगों की जान बचाने का प्रयास करें, ईश्वर उसको याद रखेगा, इतना मेरा इस अवसर पर कहना है। तो चलिए हमारे साथ इस खबर में इतना ही। बाकी प्रदेश की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।